अपना खत्म कर देते सर चिकलन चावा से लोड लाते याद है तो इस तरह से शिकार को अगर ये जकड़ लेता है दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मेरा ये बस्ती में अजगर सांप निकला है तो आपको हम दिखाएंगे वो चीज़ घर के बगान में सांप निकला है तो आपको हम दिखाएंगे अजगर सांप और उसको कैच करने के लिए डिस्को स्नैक सेवर आ रहे हैं तो मेरे वीडियो में बने रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इंडियन रॉक पाइथन है और जिसको हम लोग अजगर नाम से जानते हैं। ये सांप लमसम 22 फुट तक होता है और ज़्यादातर ये मुर्गियों का और बकरी का बच्चा का शिकार करता है। ये कभी कभी अगर ये भूखे जाता रहा और बस्ती में अगर आ गया तो इंसान का बच्चे पे भी हमला कर देता है। दोस्तों ये सांप जहरीला तो बिल्कुल नहीं होता है लेकिन ये आक्रामक तब होता है जब ये ज़्यादातर भूखे रहता है। और इसका जो दांत है दोस्तों बिल्कुल भी आरी की तरह है और किस तरह से आप देखते जंगल में ये जैसे अगर आपको एक अकेले मिल जाए तो ये अटैक देखिए किस तरह से अटैक कर देगा अभी। अच्छा मतलब इसके काटने से जहर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं 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 इसमें जहर नहीं होता है दोस्तों। ये जो सांप है इसमें जहर नहीं होता है क्योंकि एक बिना जहर वाला सांप है ये अजगर है और ये ज़्यादातर मुर्गी का बच्चा खरगोश ये सब का शिकार करता है। और इसका जो जबड़ा होता है ये 90 डिग्री से भी ज़्यादा खुलता है। अच्छा अच्छा इसका दोनों भाग ऊपर नीचे का भाग जो होता है जब ये शिकार करता है तो अलग हो जाता है। और ये जैसे आप जैसे ही सांप को अभी देख रहे हैं ये अपने शरीर का एक तिहाई हिस्सा या दो तिहाई हिस्सा तीन तिहाई हिस्सा ज़्यादा शिकार ये कर सकता है। इसमें ये क्षमता है मैंने अपना शरीर से तीन तिहाई हिस्सा शिकार को ये निकल सकता है। अभी इसको हम पर्यावरण में रिलीज करेंगे क्योंकि सांप जो होते हैं हमारे पर्यावरण मित्र होते हैं तो इस सांप को हम पर्यावरण में रिलीज करेंगे क्योंकि इसको भी जीने का अधिकार है। ये बेजुबान होते हैं। देखिए सांप का रहना हमारे पर्यावरण के लिए इस तरह का इस बेनिफिट एक तरह का सांप साल भर में एक बार प्रजनन करते हैं और एक ही बार जो है कि लोग बच्चा देते हैं जो भी है। और चूहा जो है साल भर में लाखों बच्चों को जन्म देती है और वो जो है हमारे अनाज को जरूरी कागजात दस्तावेज को नष्ट करता है। इसलिए सांप को होना हमारा पर्यावरण जरूरी है क्योंकि सांप चूहा को खाते हैं उसको कम करते हैं। अगर सांप दोस्तों कभी भी अगर आपके घर के आसपास दिखाई दे तो कभी ना मारें। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और डिस्को स्नैक जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है डिस्को स्नैक केचर उसमें डिस्कशन और केचर उसमें हमारा नंबर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन में भी हमारा नंबर रहता है। और हमारा जो फेसबुक आईडी है वो DSDS करके आप उसमें भी ठीक है आप मैंने वीडियो में डाल देंगे आपका नंबर है ना। तो चलिए फिलहाल इसको हम रिलीज करते हैं। कितना बड़ा तक जानवर को खा सकता है ये लमसम? अभी एक बकरी का बच्चा खरगोश पूरा बच्चा कितना किलो तक का मैंने वो निकल जाएगा? हाँ कम से कम जैसे कि 2-3 महीना का बकरी का बच्चा जो है वो अभी ये आराम से आसानी से निकल सकता है उसको। अच्छा 2-3 महीने का आराम से खा जाएगा। इतना इसका क्षमता है? क्षमता है देखिए किस तरह से ये अटैक करता है। अरे वाह तो इस तरह से शिकार को अगर ये जकड़ लेता है तो वो छोड़ेगा नहीं वो उसको बंधन में जकड़ लेगा। अच्छा। तो चलिए फिलहाल इसको रिलीज करते हैं।